अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। इंडिया का फातिहाना आगाज वर्ल्ड कप 2023 में, पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट होस्ट हैं, सोल होस्ट हैं और आज हमने देखा कि ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। हाँ, पिच के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात जो नाकदीन हैं उनकी जानिब से आ रहे हैं कि ये एक ODI की वर्ल्ड कप की ऐसी विकेट या ऐसी पिच नहीं होनी चाहिए थी, यानी क्रिकेट शायकीन जो वहाँ पर मौजूद थे उन्हें बड़ी बाउंड्रीज देखने को नहीं मिली हैं। इसके ऊपर एक्सपर्ट राय लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर से ज्वाइन करने के लिए। इंडिया का फातिहाना आगाज हुआ है और कहा जाता है, जो स्टैट्स बताते हैं वो ये है कि इंडिया जब वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच जीतता है तो सेमीफाइनल्स में वो जाता ही जाता है। अब जरा आ जाते हैं कि आज की गेम के ऊपर के पिच जो थी, काफ़ी जो कंडीशंस थी, जो मामला चल रहे थे गेम के शुरू से लेकर टॉस की अगर हम बात कर लें, वो गई ऑस्ट्रेलिया के फेवर में। बट उसके बाद जिस तरीके से इंडिया की जानिब से बॉलिंग की गई और कमबैक किया गया इंडियन बैटर्स की जानिब से, जिस तरह से सहारा दिया गया, सबसे पहले तो मेरा ख्याल हम बात कर लेते हैं कि प्रेडिक्शन जो थी वो 250 रन्स की थी, 250 नहीं हो सके, 200 के करीब स्कोर हुआ। क्या ये एक बड़ी वजह थी, क्योंकि अगर 250 तक बात चली जाती तो मुश्किल हो जाता इंडिया के लिए? ऑब्वियसली देखें, हमने बार बार हम कह रहे थे कि 250 प्लस किया तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अदरवाइज इंडिया ये स्कोर कर जाएगा। इवन दो 200 करने के बावजूद मेरे ख्याल थोड़ी सी ना मिस जजमेंट हुई है कि थोड़ा सा वो ना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जब खेल रहे थे स्मिथ और वार्नर, ये दोनों को चाहिए था कि लेके जाते। मैं और रऊफ बात कर रहे थे कि यार इनको 40 ओवर तक खेलना चाहिए, 175 के बाद ये अगर शॉर्टे खेलते हैं 10 ओवर में तो इनके पास विकेट्स इन हैंड होंगी और ये 250 तक ले जा सकते हैं। मगर हुआ क्या कि वार्नर आउट हुआ, फिर स्मिथ आउट हुआ, मतलब विकेट्स गिरती गई उनकी। मगर बात यह है कि जो हम सोच रहे थे कि जितना ज़्यादा टर्न शुरू में लिया विकेट ने, बाद में नहीं लिया। बाद में क्या हुआ, ड्यू फैक्टर आ गया। आप ये देखें कि हम बात कर रहे थे बार बार, रऊफ भी कह रहे थे कि स्पिन बॉलिंग इंडिया की बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल इंडिया के लिए जो अच्छी चीज़ हुई, जो इंडिया के लिए अच्छी चीज़ हुई कि वो टॉस हार गए। अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया वो बैटिंग पहले करते तो शायद यही सिचुएशन उनकी भी होती कि बॉल स्किड कर रहा था, स्पिनर का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा। तो ये मेरे ख्याल को बहुत सारी चीज़ें इंडिया की फेवर में गईं। आप देखो कि 3 आउट होने के बावजूद कोहली का कैच गिरना, फिर उसके बाद बहुत सारे बॉल ऐसे हुए जो बॉल टच ही नहीं हुआ, बीट इतने करीब से बैट के गुजरे कि जब भी कभी आउट होता 50-60 के करीब भी, बहुत मैं थ्रू आउट द इनिंग देखें आप, बॉल उनकी इतनी फेवर में गया कि वो तो यूँ लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलियन बेचारों की हर चीज़ खिलाफ जा रही थी। मिस फील्डिंग हो रही थी, कैच उनसे गिर गया, एक बिल्कुल लॉली सा कैच था जो कि कोई भी बंदा पकड़ सकता था, और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई विकेट कीपर की और उसकी कैच गिर गया। तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की फेवर में गई। कोहली एक वहद एक ऐसा प्लेयर है, जब आपको याद है जब मैंने कहा था कि कोहली एक ऐसा प्लेयर है, इंपैक्ट प्लेयर के लिए आपने कोहली का नाम लिया, वो उसकी रीज़न ये थी कि कोहली, देखें कोहली वो वाहद प्लेयर है जब वो उस टीम को लेके चलता है ना तो फिर एंड तक जाता है, वो बीच में मैच छोड़ता नहीं है। और उस जैसे बैट्समैन को आपने मौका दिया कि वो उसको चांस दे दिया, तो उसके बाद तो उसने एक, आप कोई उसके बाद इनिंग में उसके दिखा दे उसने चांस लिया हो, वो थ्रू आउट सिंगल पे रहा, क्योंकि जितनी देर विकेट्स इन हैंड होनी थी पीछे बैट्समैन उनके पास थे, उन्होंने सिंगल करके मैच जीता। उन्होंने कहीं बड़ी शॉट खेलने की कोशिश की, मिला तो उन्होंने चांस लिया, अदरवाइज वो सिंगल से ही मैच को ले के निकल गया ऑस्ट्रेलिया के हाथ से। मगर ऑस्ट्रेलिया को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनके स्पिनर्स ने ज़रा सा भी साथ नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया का, इतना भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब दोनों स्पिनर वो ऐसे लग रहे थे जैसे मैं और आप बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब एक एक ज़रा सा भी टर्न नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट मैच हरवाया है उन्होंने, सबसे ज़्यादा स्कोर दिया, सबसे ज़्यादा स्कोर पड़ा। और रऊफ भाई ने जंपा का क्योंकि कहा था कि इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं, बट वही शायद यहाँ पर फैक्टर रहा जिस तरह से सलीम भाई ने कहा कि कंडीशंस ने बाद में साथ नहीं दिया, जो पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एज द गेम विल गो ऑन द बॉल विल टर्न मोर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
देखिए, एक तो बेसिक चीज़ ये है कि जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जाएगा, जो इंडियन पिचेस हैं वो स्पिन बॉलिंग पिचों में कन्वर्ट होती जाएंगी और इसमें जितने भी स्पिन बॉलर्स हैं उनको हेल्प मिलती जाएगी। जो बात हम कर रहे थे इससे पहले वो ये थी कि 250 रन ऑस्ट्रेलिया उस सूरत में पहुंचेगा 250 के टारगेट तक अगर उनके बैट्समैन खड़े रहे, मगर वहाँ पर फॉल्ट ये हुआ कि जो सेकंड विकेट पार्टनरशिप हुई है वार्नर और स्मिथ की 69 की, उसके बाद उनका कोलैप्स होना शुरू हो गया, जो उनकी विकटें वगैरह थी, उसके बाद जो मैक्सवेल थे वो भी आउट हो गए और जो दूसरे साथ बैट्समैन थे वो भी आउट हो गया। तो जो 30 ओवर जब हुए थे तो उनके जो फास्ट बॉलर थे जिस तरह कमिंस थे जो कैप्टन है उनके, और स्टार्क वो बैटिंग कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल था 250 रन के टारगेट तक पहुंचना। दूसरी जो बेसिक चीज़ है कि हम क्रिटिसाइज पिच को कर सकते थे अगर ड्यू फैक्टर ना होता, क्योंकि जिस तरह पहली इनिंग में पिच खेली है वो बहुत ही एक डिज़ास्ट्रस पिच थी, वो स्पिन बॉलिंग, और मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए कि जो मुश्किलात क्रिएट करें। मट्टी उड़ती थी, वो बॉल कर रहे थे और नीचे से डस्ट आ रही थी और वो बॉल के साथ लग के जा रही थी। अब ये बचत इनकी ये हुई है कि सेकंड इनिंग में जब बहुत ज़्यादा ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो उसकी मिट्टी जुड़ गई और वो जो बिल्कुल एक्स्ट्रा था वो मिट्टी उड़ रही थी वो उसने डिस्टर्ब नहीं किया। यही वजह कि जो ऑस्ट्रेलियन, एक तो उनके पास स्पिन बॉलिंग इतनी बड़ी है नहीं, मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर है, वो कभी कभार बॉलिंग करते हैं तो वो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा जैम्पा थे, जैम्पा का मैंने यही कहा था कि जो लेग स्पिनर होता है कि उस वो डे पे बॉलिंग करता है, या तो शेन वॉन या मुरली जैसा हो के जो हर मैच में विकटें ले, या फिर जिस तरह हमारे शादाब खान है या इनके जैम्पा हैं तो उनका डे होता है तो वो बुरी विकेट पर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। अगर डे ना हो तो बिल्कुल स्पिन, जिस तरह आज स्पिन विकेट थी उस पर भी उनसे कोई रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, यानी जैम्पा का दिन नहीं था। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो शायद ऑस्ट्रेलिया का ही दिन नहीं था, क्योंकि उनके बैटर्स ने भी स्ट्रगल तो किया। एक भी बैटर ऑस्ट्रेलिया का आज 50 रन्स नहीं बना सका है, कर जाना मतलब जिस तरह आपने पहले, अगेन वही बात आपने जो पहले की कि वार्नर और स्मिथ को चाहिए था कि लंबी इनिंग्स खेलते, जैसे हमने बाद में देखा कि इंडिया की जानिब से विराट कोहली और केएल राहुल ने एक लंबी इनिंग्स खेली। असल में देखो अली, शुरू में जो अगर आप एनालिसिस करो ना, अगर आपने मैच देखा हो तो शुरू में बॉल बैट पे नहीं आ रही थी, हाँ जी, नीचे बहुत ज़्यादा स्पिन कर रहा था, नीचे रह रहा था, कभी कभी बॉल वो डस्ट जो अभी बता रहे थे पढ़ के बॉल उठ भी जाती थी, तो डबल पेस ही थी सिचुएशन बैटिंग के लिए। तो उनके लिए बड़ा, जब आप बैट्समैन, एज ए बैट्समैन मैं आपको बताऊँ, जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप बड़े डबल माइंडेड खेलते हो कि यार कहीं ये बैठ ना जाए, उठ ना जाए, उसमें आप फिर हाफ हार्टेडली कोशिश करते हो कि यार मैं सिंगल करूं ताकि विकेट मैं बचा के रखूं। अनफॉर्चुनेटली मगर उनकी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग अटैक ही बहुत अच्छा था इंडिया का, उन्होंने उनको ऐसा फंसा के रखा हुआ था कि वो सिंगल भी नहीं लेने दे रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ये फ़र्क था कि इंडिया ने हर ओवर में 4-5 सिंगल करके मैच, आप अगर आप देखें उनके 3 आउट होने के बावजूद उन्होंने स्कोर रुकने नहीं दिया, वो सिंगल करते रहे। ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम ये थी कि ऑस्ट्रेलिया ने सिंगल की कोशिश नहीं की या उनसे हुई नहीं, क्योंकि टर्न हो रहा था, बॉल उनके बैट पे नहीं आ रही थी, तो वो स्ट्रगल करते रहे, स्ट्रगल में फिर विकटें गिरी और उन विकटों में फिर ऑस्ट्रेलिया 250 कर नहीं सका। आपने बॉलिंग की बात की है इंडिया की तरफ से, तो जडेजा की जानिब से 3 विकटें ली गई हैं, सिर्फ 28 रन उन्होंने दिए हैं। जसप्रीत बुमराह में हमने देखा शुरू में ही बड़ी अच्छी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई, 2 विकटें वो भी लेने में कामयाब हुए, जबकि एक और स्पिनर यादव जो हैं उन्होंने 2 विकटें ली, रन इनको थोड़े ज़्यादा पड़े लेकिन विकटें निकालने में ये भी यहाँ पे कामयाब हुए। तो आज कहा जा सकता है कि स्पिनर्स का दिन था, पहले इनिंग में स्पिनर्स ज़्यादा विकटें निकालने में जडेजा खासतौर पर कामयाब रहे। जी बिल्कुल, और देखें कि 3 स्पिनर वनडे मैच में इंक्लूड करना डेफिनेट के वो इशारा इसी बात पे करता है कि जो पिच है वो बहुत ज़्यादा टर्न लेगी, और इसको प्रूव भी किया उसके बाद जडेजा ने, जिस तरह की यादव ने बॉलिंग की और अश्विन ने बॉलिंग की, तो बिल्कुल उन्होंने जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे उनको बांध के रख दिया और फिर विकटें भी लेते रहे, और उनको ये तो आखिर पे जो स्टार्क थे उनकी या कमिंस ने कोई अच्छी बैटिंग कर ली, अदरवाइज़ तो 150 रन भी नहीं हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया से। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इम्पैक्टफुल डे था स्पिनर्स के लिए और उसमें जितना उन्होंने फ़ायदा उठाना था वो उठाया, मगर जो स्पेशली क्रेडिट जाता है वो जो उनके फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें बुमराह और सिराज है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, इस
पिच पर जो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं थी अर्ली ऑन फास्ट बॉलर के लिए, मगर उन्होंने बिल्कुल उस पिच पे उसके हिसाब से विकेट टू विकेट बॉलिंग की और बैट्समैन को बिल्कुल खुलकर खेलने नहीं दिया उन्होंने। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्योंकि एक तो उनकी अपनी होम ग्राउंड है, इसका भी एडवांटेज है और वो पूरा साल वहाँ पर खेलते हैं, आईपीएल भी खेलते हैं, फर्स्ट क्लास भी लंबा खेले हुए हैं, तो उनको पता है कि ये जो बिहेवियर है पिचेस का किस किस्म का, और वो एग्जैक्टली उसी लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करते हैं जिस जो रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर। मगर जो क्रेडिट है, जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से उन्होंने इंपैक्ट क्रिएट किया सेकंड इनिंग में, एक बिल्कुल फ्लैट पिच बैटिंग पिच, बैटिंग पैराडाइज आप उसको कह सकते हैं, बाद में वो बन गई थी, बिल्कुल बड़ा एक जबरदस्त, उसमें बिल्कुल स्टार्क की तरफ से अगर हम बात करें स्टार्क ने बड़ा जबरदस्त स्पेल कराया, लेकिन उसके बावजूद भी शुरू में तो हमें अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, रन्स भी रोक के रखे, शुरू में विकेटें भी निकाली, यानी दो स्कोर के ऊपर तीन विकेटें निकाली स्टार्क ने और हेजलवुड ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मिडिल ओवर्स में जाके विकेट निकालने में ऑस्ट्रेलियन टीम नाकाम रही। ऑब्वियसली बैटिंग तो अच्छी हो रही थी, लेकिन क्या यहाँ पे विकेट निकाली जा सकती थी? एक कैच भी ऑब्वियसली ड्रॉप हुआ, उसको भी देखना पड़ेगा। एक्चुअली देखें, कैच ही गिरने से सारा गेम चेंज हुई है, और मिडिल ऑर्डर में जो हम बार बार कह रहे हैं कि स्पिनर का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था, जो वो नहीं उन्होंने किया। आप देखें कि विकेट का बिहेवियर टोटल चेंज हो गया ड्यू फैक्टर की वजह से। स्पिनर तो उनके आधे स्पिनर थे, अगर जो शुरू में पहली इनिंग में जो जिस तरह टर्न हो रहा था, मेरा नहीं ख्याल कि एक बॉल भी हमने देखा हो सेकंड इनिंग में टर्न हुआ हो, ज़रा सा भी टर्न हुआ हो, बैट में बॉल ऐसे आ रही थी जैसे कल का मैच न्यूजीलैंड का चल रहा था ना, बिल्कुल फ्लैट विकेट हुई हुई थी। तो वो ऑब्वियसली इंडिया के बैट्समैन दोनों वो प्लेयर खेल रहे थे जो टॉप प्लेयर हैं दुनिया का विराट, और उसको चांस भी मिला हुआ था। तो फिर ऐसे मौके पे तो आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर अगर होता कोई, हम यही आपस में बात कर रहे थे, इनको ऑस्ट्रेलिया को मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने मेन कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लेके आए। आधे स्पिनर से आप कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीत सकते जब तक आपकी प्रॉपर बॉलिंग ना हो। देखें जो उनके फास्ट बॉलर थे उन्होंने तो काम कर दिया, उन्होंने मेरा ख्याल है इस विकेट के ऊपर जितनी अच्छी बॉलिंग उन्होंने की है, एक लाइन पे बॉल करके उन्होंने तीन आउट कर दिए, फिर विराट का कैच गिरना, और उसके बाद फिर नीचे वाले बॉलर का काम होता है ना, स्पिनर्स का काम था, जो उन्होंने उनका मेरा ख्याल 10% भी काम नहीं किया, बल्कि आके इंडिया के लिए आसानी कर दी, तीन तीन चौके खाए उसने, और वो फिर बड़ा मुश्किल है। अगर देखें जिस तरह तीन आउट थे उनके, अगर वो दो स्पिनर दो विकेट लेकर दे देते उनको, तो मेरा ख्याल है कि मैच कम्प्लीटली चेंज हो जाता, वहाँ से मैच वहाँ से काफी हद तक मैच जो है वो चेंज हो सकता था। टर्निंग पॉइंट आई थिंक यही है वैसे, लेकिन इसको मजीद डिस्कस किया जा सकता है कि क्योंकि ऑब्वियसली फील्डिंग जो है कैचेज विन मैचेज हमेशा से कहा जाता है, तो ये अगर कैच होता तो फिर मैच का सिनेरियो क्या होता, क्या सूरत हाल होती, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में खुशामदीद कहेंगे, प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। अगर आप लकी ड्रॉ में शामिल होना चाहते हैं तो अभी sparks.pk वेबसाइट पर जाइए, कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरी ऑर्डर करें और आप लकी ड्रॉ में एंटर हो सकते हैं, जिसका ग्रैंड प्राइज जो है आपको मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त प्राइज फाइनल वाले दिन, यानी वर्ल्ड कप के फाइनल वाले दिन, तो उस दिन का आपको इंतज़ार थोड़ा सा करना पड़ेगा। वापस आते हैं जी, हम बात कर रहे थे कि जो टर्निंग पॉइंट था इस गेम का वो क्या था सर, सलीम भाई? मेरे ख्याल वो सबको ही पता है कौन सा था जो कैच गिरा, कैच गिरा। देखें वो जो कैच था स्क्रीन पे हम अपने नाज़रीन के साथ दिखा भी रहे हैं, हेजलवुड की बॉल थी, उस कैच के वजह से मेरा ख्याल सारी गेम टोटल जो चेंज हुई है वो एक इस कैच की वजह से। मेरा ख्याल थोड़ा सा वो बेचारा अनलकी था, क्योंकि उसको लगा कि विकेट कीपर भी कैच करने आ रहा है, मार्श की वजह से। आप देखो कि वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे टकराव हो जाएगा, उसने कैच गिराया, वो उसकी तरफ उसने देखा, वो देखे उसको देख रहा है कि अच्छा, बट ही वाज आइंग ऑन द बॉल, उसकी नजर सिर्फ बॉल के ऊपर थी। नहीं, आपकी आप जब कैच कर रहे होते हैं ना, तो आप भाग तो रहे होते हैं, मगर आपको सामने से नजर तो आ रहा होता है, तो वो देखे बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट होते हैं उसके करीब से जब गुजरा है, तो उसने बड़े गुस्से से उसको देखा कि या तू पढ़ लगे मेनू पढ़न दे, उसको रुक जाना चाहिए था असूलन, उसको विकेट कीपर को रुक जाना चाहिए था। ऐसे मौके पे फिर यही होता है कि वो बेचारे के आप देखो कि उसके उसके हाथ को बॉल लगी नहीं, वो इतना डरा
और डेफिनेटली फील्डर प्लेसमेंट भी उसी की थी और वो ही बॉल के ऊपर आ रहा था अटेम्प्ट करने के लिए, बट उसके बावजूद जो विकेट कीपर था। इसमें सलीम भाई एक बड़ा पॉजिटिव भी पॉइंट है जो बच्चों के लिए कोचिंग मैनुअल में, जी जी, वो ये है कि जब हमें सिखाते हैं कैच पकड़ना तो कहते हैं जब कैच ऊपर जाए और दो या तीन फील्डर हो तो आपको आवाज देनी चाहिए कि यस दिस इज माय कैच, कॉल करेंगे तब आपका कैच, अदरवाइज आप एक दूसरे के साथ कोलैप्स होंगे और कोई भी कैच नहीं पकड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक है, जब भी आप बच्चों को सिखाते हैं कोचिंग मैनुअल में उनको ये बताते हैं जब बॉल ऊपर जाएगा दो या तीन बंदे नीचे हों तो आपने कहना यस दिस इज माइन, फिर आपने जाना है और दूसरे ने उधर ही रुक जाना, अदरवाइज आपका कोलिजन होगा और कैच ड्रॉप हो जाएगा। कोलिजन और ये इस तरह की हमें अक्सर पाकिस्तान की गेम में भी बिल्कुल इस मौके पे मेरा ख्याल विकेट कीपर को रुक आउट करना चाहिए था कि उसका कैच है, वो रुकना चाहिए था। अगर तो लेना था ये कैच उसे तो फिर आप अगर ये कैच देखो ना तो उसका हाथ ही नहीं लगा, वो इतना वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था कि उसके इधर लगा बॉल, वो उसके उसका था कि शायद ये अभी मेरे से टक्कर लगेगी इसकी टक्कर। हालांकि ऐसे मौके पे अटेम्प्ट कैच आपको करना चाहिए, वो दूसरी बात है कि आप टकरा के मैच कैच गिर जाए, मगर अटेम्प्ट करनी चाहिए थी क्योंकि इतना वो कैच था जो मैच को इस तरफ या उस तरफ लेके जाने वाला पलट सकता था, क्योंकि विराट कोहली एंड केएल राहुल टू प्लेयर्स जिन्होंने मैच का पांसा ही पलट दिया। हाँ, अगर ये विकेट गिरती तो देवर चांसेस के फिर एक वैसे अली विराट के साथ अगर देखें, विराट की हम बहुत तारीफ कर रहे हैं हालांकि उसका कैच गिरा है, असल जो मैच को लेके जिस बंदे ने राहुल को अगर आप देखें उसको इतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता, मगर मैंने देखा है कि वो बड़ा सॉलिड किस्म का प्लेयर है और हमेशा वो मौके पे स्कोर करता है और टीम को, वो भी आप उसकी आईपीएल के में भी देखें कप्तान होता है वो किसी टीम का, वो हर मैच में वो मैन ऑफ द एंड में जब स्कोर आप देखते हैं तो वो टॉप 3-4 में होता है, वो हमेशा से वो बड़ा स्कोर करता है और ये बड़ा सॉलिड किस्म का इनका इंडिया का प्लेयर है। और देखिए एक ऐसे मौके पर जब आपके तीन प्लेयर जो हैं वो वापस पवेलियन लौट चुके हैं और आपने सिंगल्स डबल्स पे ज़्यादा जो इसमें बाउंड्रीज तो बहुत कम, एंड पे जाके उन्होंने कुछ शॉट्स की ट्राई किया, अदरवाइज तो सिंगल्स डबल्स पे मैच लेके जाना एंड तक डेफिनेटली जबरदस्त इनिंग्स। बिल्कुल, और देखें कि ये गलतियों से सीखते हैं और 20 रन पे तीन जो उनके मेन बैट्समैन थे टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट सारी की सारी पवेलियन वापस जा चुकी थी और एक प्राइम अपनी फॉर्म में बॉलिंग कर रहे थे, स्टार्क भी, हेजलवुड और जो कमिंस हैं, मगर उसमें जिस तरीके से उन्होंने मैच को निकाला डेफिनेट वो सारा क्रेडिट विराट कोहली और केएल राहुल को जाता है, क्योंकि आप देखें कि दो दफ़ा बैटिंग कोलैप्स हुई है और टीम कोलैप्स हुई है, एक तो ऑस्ट्रेलिया का जो सेकंड विकेट थी जिसमें जो वार्नर की और स्मिथ की पार्टनरशिप हुई है, जैसे ही वो स्मिथ आउट हुए वार्नर आउट हुए उसके बाद बिल्कुल वो कोलैप्स हो गई और वो बड़ा टोटल नहीं कर सके। इससे पहले एक इंग्लैंड का मैच था उसके साथ न्यूजीलैंड से, उसमें 188 था 32 ओवर्स में खेल रहे थे आपके बटलर और जो रूट्स दोनों 50 पे खेल रहे थे और उन्होंने एक गलत शॉट मारी उसने जो बटलर ने वो आउट हुआ और उसके बाद उनकी सारी बैटिंग लाइन कोलैप्स हुई, वो 300 एक फ्लैट पिच पे 300 नहीं कर सके और ओवर पूरे नहीं खेल सके, इस वजह से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया और मैच जीत लिया। तो ये जो आज ये गलतियां थी ये आज इन्होंने नहीं दोहराई जो केएल राहुल थे और विराट कोहली, और बड़े स्मूथली एंड तक वो गए हैं उन्होंने सिंगल सिंगल डबल करके और जहां पर एंड पे जरूरत पड़ी वहां पे बिल्कुल उन्हें तो क्रेडिट देना पड़ेगा, साथ ही साथ मेरा ख्याल है आप दोनों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि आज जब हमने प्री मैच ट्रांसमिशन में दोनों हमारे ऑनरेबल गेस्ट से पूछा कि आपके नज़दीक इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा साबित हो सकता है इंडिया की तरफ से, तो सलीम भाई ने विराट कोहली का नाम लिया और साथ ही साथ अब्दुल रऊफ भाई की बात करें तो उन्होंने जडेजा का नाम लिया, रविंद्र जडेजा। उनकी अगर नज़र डालें तो 28 रन पर उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, तो डेफिनेटली बहुत से लोग ये भी बात कर रहे थे कि केएल राहुल की जगह उन्हें भी आप दे सकते थे प्लेयर ऑफ द मैच, बट स्टिल आई थिंक जिस तरह से इतनी मुश्किल सूरत हाल में मैच को एंड तक लेके जाना, केएल राहुल डिजर्व्ड इट। नहीं देखें उसका उसने इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की उस मौके पर और वो स्पिनर्स को सूट करती थी, जिस सिचुएशन में केएल राहुल ने स्कोर किया है वो तो इंडिया आगे लगी हुई थी, 3 आउट थे और उस मौके पे मुश्किल बॉलिंग के ख़िलाफ़ जब आप इतने प्रेशर में थे, देखें एक चीज़ स्पिनर्स को सूट कर रही है, इतना ब्रेक हो रहा है, खेला नहीं जा रहा, उस पर 3 आउट करने कोई बड़ी बात नहीं है, वो वैसे ही अच्छा बॉलर है, वो ऐसी विकेटों पे अच्छी बॉल करता है, चेन्नई से खेलता है, उसको पता है उस कंडीशन का, मगर जब आपकी टीम आगे लगी हो और उसको उसमें से निकालना, मेरा ख्याल है
अगर उसको मैन ऑफ द मैच देते तो ये ज्यादती होनी थी के आर राहुल के साथ। राहुल बहुत अच्छा खेला, उसने टीम को ऐसे मौके से निकाला जहाँ टीम हार सकती थी, एक विकेट गिरती, इन दोनों में से एक विकेट गिरती तो बड़ा प्रेशर होना था इंडिया पे, क्योंकि उस वक्त उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो ये मेरा ख्याल है क्रेडिट दूसरा इसमें स्लीम भाई ये है कि वनडे में आपको पता है कि जिस तरह एक सेंचुरी इक्वल टू चार विकेट्स की होती है, पांच विकेट, अगर आप चार या पांच विकेटें लेंगे तो फिर आप इक्वल टू 100 जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को वो जडेजा की बॉलिंग ने इम्पैक्ट डाला, जो उनके मेन बैट्समैन थे उनको उन्होंने आउट किया और एक लो स्कोर पे उनको आउट करने में कामयाब हुए। मगर रऊफ इसमें आप ये देखो ना कि विकेट सूट कर रही थी स्पिनर्स, बिल्कुल सूट इसमें, और उसने जिस सिचुएशन में स्कोर किया वो मुश्किल, वो बड़ी उस वक्त बड़ा आगे लगी हुई थी इंडिया, तीन पे चार आउट, दो पे तीन पे आप और लेके प्लेयर्स भी देखे ना कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आउट हो रहे हैं। रोहित शर्मा सिफर पे आउट हुए, ईशान किशन जो कि शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट पे आए थे सिफर पे आउट हुए, फिर अय्यर श्रेयस अय्यर वो भी सिफर पर आउट होके वापस लौट गए। अली दो स्कोर पे तीन आउट होना ही बहुत बड़ा प्रेशर है इंडिया जैसी टीम के लिए, जो कि अभी एशिया कप जीत के आई है। कोई भी टीम हो अली, कोई भी टीम हो, उसके तीन प्लेयर अगर दो रन्स पे आउट हो जाए ना, वहाँ से टीम को निकालना मेरा ख्याल वो क्रेडिट उन दो प्लेयर्स को ही जाता है। लेकिन इसमें स्लीम भाई एक और चीज देखें, कल 428 रन हुए एक टीम ने किए, 329 दूसरी टीम ने किए, आज 200 पे एक टीम आउट हुई, वर्ल्ड बेस्ट टीम, वर्ल्ड चैंपियन रही है तीन चार दफा ऑस्ट्रेलिया, पांच दफा, और ये जो दूसरी इनिंग में दो रन पे तीन आउट और अगर कोहली का कैच भी हो जाता तो मेरा ख्याल है 200 रन भी इनसे होने थे। टोटल एक अजीबो गरीब सिनेरियो है इस वर्ल्ड कप का कि एक दिन पहले 7-8 बनेगी आप देखो, यानी होस्ट टीम होने का इतना फायदा जो है वो ग्राउंड्समैन की तरफ से आ रहा है आप कह रहे हैं। वो तो होगा, देखो कोई भी जिसके यहाँ भी मैचेस होंगे अपना वो एडवांटेज तो लेगा, उसको जो सूट करेगा वो वैसी विकेट बनाएगा, अनलेस के बहुत गंदी विकेट हो तो तब जाके उसकी रिपोर्ट होती है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी आप फायदा उठाएंगे, होस्ट होने का ये तो फायदा होएगा ना। हालांकि होम एंड अवे जब भी आप देखो काउंटी क्रिकेट खेलने जाते थे तो आप अपनी मर्जी की विकेट बनाते थे, वहाँ वो अपनी मर्जी की विकेट बनाते थे, तो ये एडवांटेज तो होम। लेकिन इनको आईसीसी की तरफ से क्लियर ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने कोई इस तरह की पिच नहीं बनानी और वो उस फ्लैट पिच है उसमें बाउंड्री जो है वो भी इतनी कम नहीं होनी चाहिए, एक मैक्सिमम। मेरा वैसे एक क्वेश्चन है रोहू आपसे, क्या आप समझते हो कि इंडिया आईसीसी अगर कहेगा तो इंडिया उनकी सुनेगा? आपसे एक सवाल है। नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखें कि आपके सामने वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप का मुझे बताएं कि आईपीएल का और वर्ल्ड कप का कोई नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको सवाल किया है। आईसीसी तो अंडर द शेल्टर ऑफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है ना, यानी कि पाकिस्तान बेचारा तो जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं उनकी तो कोई सुन ही नहीं रहा ना, हमारे पहले हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने जा रही है उसको वीज़े नहीं दे रहे, एक दिन पहले वार्म अप मैच से पहले उनको वीज़े दिए हैं, उसके बाद बेचारे जो हमारे वो साफ़ी हैं उनको वीज़े नहीं दे रहे, हमारा कैप्टन और बाकी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो बेचारे वो देख रहे हैं हमारा हमारे कंट्री से कोई साफ़ी आया कि नहीं। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ साफ़ी जो हैं उन्होंने ट्विटर पर ये महाज खोला है, वहाँ पर बात करना शुरू की है, बट आपको लगता है कि हमारे प्लेयर्स को भी अपने क्रिकेट शायकीन के लिए थोड़ी सी आवाज़ जितनी जैसा तक उठा सके, ठीक है प्लेयर हैं गेम खेल रहे हैं बट स्टिल उनको अपने क्रिकेट शायकीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वैसे ये कि डिसिप्लिन के अगेंस्ट आता है प्लेयर्स कैसे आवाज़ उठाएगा, ये तो आपके बोर्ड का काम है कि आईसीसी को लिखें, या जैसे कल रऊफ ने बात की थी कि आपका एक मीडिया का है, आप इंटरनेशनली मीडिया को आवाज़ उठाएं। अब
स्पोर्ट्स प्लेयर का अपना वो गेम खेलेंगे कि वो इन चक्रों में पड़ेंगे, सियासत में तो उनका काम नहीं है। जो सबसे बेस्ट फोरम है ना वर्ल्ड जो जर्नलिस्ट फोरम है उसका उस काम है कि पाकिस्तान को जो जितनी जर्नलिस्ट ब्रादरी है उनको उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन अगेन बात वही है कि ठीक है आवाज उठाने के बावजूद भी क्या बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा जो आज तक पड़ा है? सवाल ये है, सवाल जो था आप दोनों ने एक प्रिडिक्शन भी की थी इस प्री मैच ट्रांसमिशन में, उस पर भी आते हैं कि किसके प्रिडिक्शन सही साबित हुई है और किसकी नहीं हुई, तो यानी आज का स्कोर देख लेते ना क्या। लेकिन ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक में जाने से पहले हमने बात की थी कि जो प्रिडिक्शन थी आज हमारे मौजूद मेहमानों की, हम थोड़ा सा लेट हैं, यानी पांचवें मैच में हमने पहली प्रिडिक्शन ली है तो आज 1-0 होने जा रहा है। तो 1 किसका है, 0 किसका है, खुद ही मेरा ख्याल है बता दें। आई थिंक हमने कहा था अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर वो नहीं ऐसे नहीं है। आपने ऑस्ट्रेलिया की विन प्रिडिक्ट की थी, राव भाई ने इंडिया की विन प्रिडिक्ट की थी और मेरा ख्याल है जो पॉइंट है वो राव भाई की तरफ आ गया है। तो 1-0 जो है सलीम भाई इस वक्त स्कोर ही है, लेकिन अभी आगे बहुत सारे मैचेस पड़े हुए हैं उनमें आपका स्कोर बेहतर हो सकता है। कल का मैच है, मेरा ख्याल है पहले आपसे पूछ ले तो जल्दी से प्रिडिक्ट कर दे अच्छा हो जाएगा। न्यूजीलैंड वर्सेस नेदरलैंड, आप कोई अपसेट हो गया तो वो एक अलग मसला है। मैं आपको बताऊं इसमें कुछ भी हो सकता है, वो ऐसी टीम है। चलो फिर आप नेदरलैंड कर देगा नहीं फिर इफेंट बट पे जाना है। आप चाह रहे हैं कि सारे हार जाओ, मैं बराबर करवा दूं प्रेडिक्शन एक एक से। नहीं नहीं आप इतना एहसान ना करें, एहसान मानी पे बाद में आएंगे हम, अभी जो है नहीं यार आप... देखो वही वाली बात जैसे रऊफ ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है मगर न्यूजीलैंड है मेरे न्यूजीलैंड आपको लग रहा है कि न्यूजीलैंड जो है वो ही मैच जीत जाएगा? वैसे तो मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी पूछ लेते हैं इनसे। न्यूजीलैंड। अच्छा, यहाँ पे दोनों न्यूजीलैंड। यार चले आप आए ना, इतनी हिम्मत करें कि यार चलो कोई बात नहीं आज मैं नेदरलैंड के जितवा दे। देखिए पाकिस्तान के साथ ही मैच उन्होंने अच्छा वैसे खेला, बुरा मैच नहीं था। चले अगर डी लीड शो करता है तो नेदरलैंड। अच्छा हाँ, इस पे भी बड़ी बात हो रही थी, जितनी अच्छी बॉलिंग और बैटिंग उन्होंने की थी प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। एक बंदे ने की थी, उसी ने 4 आउट किए, उसी ने 67 स्कोर किए, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच हमारे साउथ शकील को मिला था तो हम फिर इसलिए माइंड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा ये तो ऑब्वियसली आपकी प्रेडिक्शन भी होगी, अब न्यूजीलैंड नेदरलैंड का मैच जो है, नेदरलैंड जो है अनप्रिडिक्टेबल, आपने जिस तरह कहा यू नेवर नो इट्स अ गेम, तो कुछ भी हो सकता है। नेदरलैंड की अगर हम की प्लेयर्स की बात करें तो यही द लीड जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वही एक प्लेयर है ऐसा। वैसे रऊफ कुछ प्लेयर्स के नाम ले रहे थे कि नीचे भी उनके कुछ प्लेयर हैं मगर उन्होंने इतना अच्छा किया नहीं था, मगर आप एक प्लेयर पे बैंग नहीं कर सकते कि इतने बड़े टूर्नामेंट में कि एक ही प्लेयर 100 करेगा जैसे रऊफ ने कहा तो फिर वो जीतेगी, ऐसा होता नहीं है। आपको टीम एफर्ट के साथ पूरी टीम जब तक अच्छा ना करे, थोड़े थोड़ा शेयर अपना ना डाले, उतनी देर आप जीत नहीं सकते। मगर चूंकि वो सारे लोग काउंटी खेलते हैं वहाँ, उनको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, बॉलर्स को भी अगर आप देखें उनके 2-3 प्लेयर मैंने देखे हैं काफ़ी देर से खेल रहे हैं तो वो उनको एक्सपीरियंस है बुरी सिचुएशन में भी खेलने का। अगर बुरा दिन हो तो कुछ भी हो सकता है। अगेंस्ट नेदरलैंड्स पाकिस्तान ने काफी स्ट्रगल किया था, पाकिस्तान की बैटिंग ने, उसमें क्रेडिट उनकी बॉलर्स को देना चाहिए या पाकिस्तान की बैटिंग ही लैक कर रही है स्किल्स में? देखिए पाकिस्तान अनप्रेडिक्टेबल टीम है, आपको पता कि पीछे जो 2007 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पहले वेस्टइंडीज से हमारे, उसके बाद हम आयरलैंड जो पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही थी उससे हार के हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। तो जो हमारे करंट चीफ सेलेक्टर हैं उस वक्त पाकिस्तान टीम के कैप्टन हुआ करते थे, तो हम पहले राउंड से ही वापस आ गए थे। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है, इस तरह नेदरलैंड की टीम जो है उसमें जिस तरह सलीम भाई ने कहा कि डेफिनेट उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त दी है, वहाँ पे जिम्बाब्वे को हराया, वेस्टइंडीज़ को हराया और बड़े बड़े टारगेट उन्होंने चेज़ किए हैं। तो उनका ना जब किसी टीम का एक विनिंग मोमेंटम बना हुआ तो फिर उसको ब्रेक उसको हराना आसान नहीं होता। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि शायद उनके दिमाग में ज़रूर होगा कि ये बिल्कुल अभी नई टीम आई है, तो उस मेयार की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की उनके खिलाफ नहीं थी जिस तरह की, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच होगा। मगर अगर डी लीड के साथ कोई एक भी बैट्समैन अगर नंबर 5 या 6 या 7 कोई भी खड़ा रहता तो मेरा ख्याल है कि वो
287 के डेफिनेट वो नज़दीक पहुंच सकते थे उस टारगेट के। तो ये दूसरी टीमों के लिए एक थ्रेट भी है, एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि उनको इतना लाइट ले नहीं वैसे सकते। कोशिश यही होगी ज़ाहिर है, अब जिस तरह से न्यूजीलैंड का मैच है नैदरलैंड के खिलाफ, सलीम भाई कहते हैं कि अभी आप इतनी दूर ना जाएँ, अभी आप नेट रन रेट की तरफ ना जाएँ, बट स्टिल कोशिश तो होगी कि ज़्यादा मार्जिन से किसी तरीके से न्यूजीलैंड का, क्योंकि मैच है तो नैदरलैंड को ज़्यादा मार्जिन से हराने की कोशिश तो की जाएगी। अली ये इस अभी ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी टीम मेरा नहीं ख्याल कि ये सोच रही है इतना कि, वो इतना दूर की नहीं सोच रही, हर टीम ये सोच रही है कि हम मैच जीतें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतें और क्वालिफाई करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मैच जीतेंगे तो ऑब्वियसली आप ऊपर जाएंगे। अगर ये सिचुएशन तो आपको जाके पता चलेगी जब हाफ वे आप जाएंगे कि अगर एक जैसे पॉइंट्स हुए तो फिर रन रेट। अच्छा वैसे एक मेरे जहन में बड़ा मज़े का सवाल आया और आप दोनों से पूछूंगा, लेकिन मैं हालांकि कल सुबह जब हम टॉस के टाइम जब ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे उस वक्त मैं आपसे सवाल करूंगा, जवाब आप सोच लीजिएगा दोनों ही कि कौन सी टीम्स आपको लगता है कि सेमीफाइनल में पहुँचेंगी, तो वो आपने नाम दोनों ने बताने, अभी नहीं नहीं हम नहीं बता रहे, मगर मेरा ख्याल सवाल ये होना चाहिए था कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। मैं ये सवाल करना नहीं ऐसा बेचारा कि मैं ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई जवाब ना आ जाए जिससे मेरा दिल टूट जाए। नहीं नहीं अल्लाह तो... ना करे हम ऐसी वो उस वैसी बात नहीं, आप गलत साइड पे लेके जा रहे हो। मैं ये कह रहा था कि कितनी टीमें नहीं आएंगी, ये आप कितनी टीमें नहीं आएंगी, चले वो सुबह हम पूछ लेते हैं आपसे सवाल, वो उस तरह से कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब आ जाते हैं जी कि आज 8 तारीख 14,000 मजीद टिकट्स जो हैं वो BCCI ने सेल की हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, जो कि पहले 15 अक्टूबर को शेड्यूल था, फिर शेड्यूल चेंज हुआ और 14 अक्टूबर को मैच रखा गया सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। वैसे थ्रेट्स भी काफ़ी मिल रहे हैं और हमारे यहाँ से जो दफ्तर खारजा है उनकी जानिब से डिमांड की गई है, कहा गया है कि हमें हमारी टीम जो है उसको बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है, कितनी अफसोसनाक बात है कि पूरी दुनिया से क्रिकेट शायकीन ये मैच देखने वहाँ पर पहुँचेंगे, ये जो 14,000 मजीद टिकट्स जिनको अब बेचा गया है, आज के दिन बेचा गया है, उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये इसलिए इसमें डिले है कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन है उनको, क्योंकि अभी वीज़ाज मिलने हैं, टिकट्स तो उन्होंने नहीं खरीदी अभी, तो फिर वो ये टिकट्स खरीद सकेंगे, लेकिन टिकट्स बिक गई हैं सर, वीज़ाज जो हैं वो नहीं आए, तो क्रिकेट शायकीन का तो जो चांस था ना कि वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान इंडिया का, मेनली तो यही होता है ना कि पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा जाके देख सकें, वो तो सारा चांस हाथ से चला गया है, लेकिन जो दूसरा हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनको भी तक वीज़ा जो नहीं मिले, स्टेटमेंट्स बड़े आ रहे हैं ये कर देना चाहिए वो कर देना चाहिए, लेकिन वीज़ा यहाँ सहाफ़ी हज़रात के अलावा जो लोग बहुत क्रिकेट को लव करते हैं, बहुत डाई हार्ट किस्म के फ़ैन होते हैं, वो जाना चाहते थे, वो आप लोगों को तो फिर भी शायद मेरा ख्याल है वीज़ा मिल ही जाता है किसी ना किसी तरह साफ़ी हज़रात को, मगर वो लोग जो इतनी देर से 5 साल से। अच्छा वैसे ये भी कितनी अलार्मिंग बात है कि अभी रिसेंटली एक समिट हुआ था गोवा में, हमारे दफ्तर हमारे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त जो थे बिलावल भुट्टो वो गए थे, तब कुछ साफ़ी गए थे साथ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अभी तक किसी किस्म का कोई इस पे बयान ना आना, ये भी अफसोस, ये भी यकीनी तौर पर अफसोसनाक है, और उसके बाद भी गए थे फिर ये मान के एग्री करके हम उम्मीद कर सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अभी तो एक गेम हुई है पाकिस्तान की नैदरलैंड के खिलाफ है, वो अभी काफ़ी गेम्स पड़ी हैं, काफ़ी मैचेस पड़े हैं, अच्छे मैचेस पड़े हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर अभी सख्ती से इस मामले को टेकअप नहीं किया गया PCB मैनेजमेंट की जानिब से ICC के साथ, जिस तरह से पहले आपको याद होगा कि जब हमारे प्लेयर्स के वीज़ाज़ नहीं आए थे तो ICC से टेकअप करने के बाद ही मामला फिर वीज़ाज़ हमारे प्लेयर्स को जारी किए गए थे, तो इस सूरत हाल में भी जो जर्नलिस्ट के एक्रेडिटेशन कार्ड्स आ भी गए हैं तो वीज़ाज़ नहीं आए, तो उस पर भी ICC से मामला जो है उसको टेकअप करना चाहिए। नाज़रीन इजाज़त दीजिए आज के लिए, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।